तो हे गाइस, मैं हूँ शुभो और आप लोगों का स्वागत है मेरे इस चैनल डिस्क्राइब फॉर यू में। तो बहुत महीनों बाद मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। तो आज का जो वीडियो है कि हम लोगों का एक प्रॉब्लम आता है हर बारी एमएक्स प्लेयर में। तो जैसे कि मेरे पास प्रॉब्लम को मैं आपको दिखा देता हूँ। इधर देखिए कि जब मैं वीडियो प्ले कर रहा हूँ हॉगाई का एपिसोड, जब इधर ऑडियो है, ऑडियो में क्लिक करता हूँ, दिस फॉर्मेट इज़ नॉट सपोर्टेड। तो इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं? और ये जो ऑडियो है, ये ऑडियो प्ले नहीं हो रहा है, और इसे कैसे हम ठीक कर सकते हैं? तो इसके लिए आपको पहले आपका जो मैक्स प्लेयर का जो सेटिंग है, सेटिंग में जाइए, पहले थ्री डॉट लाइन में, उसके बाद लोकल प्लेयर सेटिंग्स, एंड उसके बाद तीन नंबर जो ऑप्शन है डीकोडर, तो उसमें क्लिक कीजिए। सबसे नीचे चले जाइए, पहले आप देख लीजिए कस्टम कोडेक में क्या लिखा है। ये जो देख रहे हैं ना कस्टम कोडेक, तो पहले इसको देख लीजिए इसमें क्या लिखा है। यूज़ ARM V7 नियोन टाइप कस्टम कोडेक, ठीक है? हमको ऐसा ही कुछ कोडेक को यूज़ करना है। तो इसके लिए पहले हम इस MX प्लेयर को मिनिमाइज़ कर देंगे, उसके बाद चले जाइए अपने क्रोम ब्राउज़र में और इधर टाइप कीजिए MX Player Zip, ठीक है? सॉरी, तो इधर हम लोग टाइप करेंगे MX Player Zip लिख के, ठीक है? उसके बाद आप इधर देख सकते हैं सबसे ऊपर है डाउनलोड MX Player AIO Zip। जो हमारा मिसिंग फाइल है, जो हमारा सपोर्ट नहीं कर रहा, उसका हम डाउनलोड करें, ठीक है? उसके बाद आप इधर स्क्रॉल करिए, स्क्रॉल करने के बाद नीचे देख सकते हैं स्किप टू MX Player Codec Files, ठीक है? उसके बाद नीचे स्क्रॉल कीजिए, देखिए इधर लिखा हुआ है MX Player Codec Zip फाइल डाउनलोड। तो हम लोगों को इस चीज़ को डाउनलोड करना है, इस एपी को करना है, एपी के जो है इसको हम लोगों को डाउनलोड नहीं करना है। तो आप लोग सोच रहे कि सेकंड वाला हो सकता है, फर्स्ट वाला हो सकता है, लास्ट जो कोई भी एक डाउनलोड कर दे तो हो जाएगा। नहीं, ये नहीं होगा। पहले आप देख लीजिए आपका जो सेटिंग्स है, सेटिंग्स में क्या है, जो मैंने पहले बताए सेटिंग्स में क्या मांग रहा है, हमको वही चाहिए। जैसे कि मेरे को चाहिए नियोन जिप वाला, नियोन टाइप कुछ चाहिए, ठीक है सर? सॉरी, ठीक है, ARM V7 नियोन टाइप कोडेक चाहिए हम लोगों को। तो ऊपर देख से MX Neon.zip 1.35.0 ये हम डाउनलोड कर सकते हैं, और सेकंड वाला भी सिमिलर है, क्योंकि देख सकते हैं MX Neon 64। तो हम लोगों को जो मांग रहा था सपोर्ट करेगा वो है V7 वाला, ठीक है? तो मेरे को नियॉन टाइप चाहिए, तो मैं इधर पहले वाला को सिलेक्ट करता हूँ और ये ऑटोमेटिकली डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा। तो हम इधर डाउनलोड कर लेते हैं, ये मैंने पहले डाउनलोड किया हुआ था तो इसी वजह से फिर से डाउनलोड हो रहा है। उसके बाद इधर हम लोग डाउनलोड में क्लिक करेंगे, नहीं तो इधर थ्री डॉट ऑप्शन में या फिर एरो वाले ऑप्शन में जाकर डाउनलोड्स में आइए, और इसके बाद एमएक्स प्लेयर का जो डाउनलोड किया था एक्सट्रैक्ट कर लीजिए सबसे पहले। तो एक्सट्रैक्ट में क्लिक किया, ठीक है, ये देखिए नीचे एक्सट्रैक्ट हो रहा है और ये एक्सट्रैक्ट हो चुका है। उसके बाद सभी चीज़ों को क्लोज कर देते हैं और इंटरनेट ऑफ, उसके बाद चले आते हैं एमएक्स प्लेयर में, ठीक है? देखिए ऑटोमेटिकली ले लिया कस्टम कोडेक, द फॉलोइंग कोडेक फाइल इज़ फाउंड, हमको हमारा ये जो फाइल नहीं था वो मिल चुका है। अभी इसको ओके कर देते हैं, ठीक है? रिस्टार्टिंग ऐप टू रिलोड कोडेक, ओके। उसके बाद फिर से एमएक्स प्लेयर को हम लोग ओपन करेंगे, ठीक है? तो फिर से मैं दिखा देता हूँ, जैसे कि पहले हमारा ये था नीचे वाला जो मांग रहा था वो अभी है नहीं, हमारा जो कस्टम कोड है कोडेक है वो अभी इंस्टॉल हो चुका है। फिर से ये ओपन करके देखते हैं हिंदी वाला। नथानियल, क्या कर रहे हो बेटा, सब ठीक तो है ना? हाँ, अभी साउंड क्लियर आ रहा है। तो ये था हम लोगों का आज का वीडियो। तो उम्मीद करता हूँ आपका जो ये MX प्लेयर वाला प्रॉब्लम है
ये सॉल्व हो चुका है। ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए एंड नीचे कमेंट करके बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा। और आप लोग मेरे इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में जो बेल का ऑप्शन है उसको भी क्लिक करके ऑल में सेट कर दीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।